जे मनु नहीं ज्यादा पसंद आई है तो बच्चों को कितनी पसंद आएगी यार? बच्चों को भी बहुत ज्यादा पसंद आएगी और बड़ों को भी आएगी इंशाल्लाह। बहुत जबरदस्त इजी रेसिपी है और मजेदार है और माशाल्लाह से रेस्टोरेंट वाली रेसिपी है, ये आपके साथ शेयर हो गई है। बस आप इसको बनाएं खाएं एंजॉय से। बिस्मिल्लाह, ये देखिए जी हमारी चिकन चौमिन हो गई है रेडी इस तरीके से। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह, ये है हमारा जूसी के साथ और इसका जो टेस्ट है ना, अदरक का पाउडर है, ठीक है, और यहाँ पे जीरी है, ठीक है, जाएगी, ठीक है। ये देखिए, अस्सलाम वालेकुम आप फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? मैं करती हूँ सभी फ्रेंड्स ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ माशाल्लाह, कामरा भी ठीक है, बच्चे भी ठीक है, अल्लाह पाक सबको ठीक रखे, खुश रखे, आबाद रखे, हंसता और मुस्कुराता रखे, अपनी फैमिली के साथ अल्लाह पाक सबकी दिल की ख्वाहिश पूरी करे, जो लोग परेशान हैं अल्लाह पाक उनकी परेशानी दूर करे, जो लोग बीमार है अल्लाह पाक उनको सेहत और तंदुरुस्ती और शिफा दे, जो लोग बे औलाद अल्लाह पाक उनको प्यारी सी औलाद से नवाजे, जो बेटे की ख्वाहिश रखे अल्लाह पाक उनको बेटी दे, जो बेटे की ख्वाहिश रखे अल्लाह पाक उनको बेटा दे, अल्लाह पाक सबकी दिल की ख्वाहिश पूरी करे। आमीन। जो लोग कारोबार से परेशान है अल्लाह पाक उनके कारोबार में बरकत दे, जो लोग बच्ची और बच्चों के रिश्ते से परेशान है अल्लाह पाक सब बच्चे करें, सही बच्चे करें और सब बच्चों के मुकद्दर अच्छे करें। आमीन। जो लोग इस दुनिया से चले गए अल्लाह पाक उनको जन्नत अल-फ़िरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। मेरी हर फैमिली के लिए अल्लाह की बहुत सारा प्यार बरसाए, दुआ है अल्लाह पाक सबको खुश आबाद अच्छा और मुस्कुराता रखे, अपनी जो मान में रखे। माशाल्लाह जी बहुत प्यारे कमेंट्स हैं, बहुत सारा प्यार है, बहुत सारी दुआएं हैं। तो जी फ्रेंड, जो मेरे चैनल पर न्यू है वो जल्दी से चैनल को करें सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट्स और बेल आइकन प्रेस, ताकि तमाम जो मेरी वीडियो आपके पास आती रहें। तो जी आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार रेसिपी लेकर आई हूँ। आज हम बनाएंगे चिकन चौमिन और मज़ेदार सी डिश होगी और इजी रेसिपी होगी। चलते हैं रेसिपी की तरफ। चिकन चौमिन के लिए हमारे पास क्या क्या चीज़ें मौजूद होनी चाहिए जिससे हमारा बनेगा चिकन चौमिन, चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो जी फ्रेंड, यहाँ पे जी मेरे पास है जी, मैंने गाजर को कटिंग कर लिया इस तरह से ना, और यहाँ पर मेरे पास है जी प्याज, ठीक है, यहाँ पर खीरा है, अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, लेकिन हर एक अपना अपना टेस्ट होता है, लेकिन मैं डाल रही हूँ। और यहाँ पे है जी मेरे पास बंद गोभी का फूल, इसको मैंने इस तरह का कटिंग कर लिया है। और यहाँ पे मेरे पास है जी शिमला का भी मैंने इस क्यूब्स में कटिंग कर लिया, ठीक है, इस तरह मैंने ना लंबी लंबी शिमले कटिंग कर ली है, इसी तरह की मैंने गाजर भी इसी तरह कटिंग की है और शिमला भी मैंने कटिंग इस तरह की कर ली है, ठीक है। बाकी यहाँ पर जी मेरे पास है, यहाँ पर चिकन है, जो चिकन की मैंने ना टिक्का बना लिया है, छोटी छोटी बोटी कर ली है, इसकी इसी तरह ही आपने इसको बना लेना है। और यहाँ पे जी मेरे पास मसाले हैं जो कि हमारे जो चिकन चौमिन में जाएंगे। क्या मसाले हैं जी? चिकन पाउडर है, कुटी हुई लाल मिर्च है, काले या लाल मिर्च है और कुटी हुई लाल मिर्च है, दोनों मिर्चें हैं, यहाँ पे नमक है, यहाँ पे वाइट पेपर है, यहाँ पे ब्लैक पेपर है, यहाँ पे अदरक का पेस्ट है, अदरक का पाउडर है, ठीक है। और यहाँ पर जी मेरे पास है लहसुन, सोया सॉस, चिली सॉस और सिरका, यहाँ पर जी जो गार्लिक केचप है और यहाँ पर लहसुन कटिंग किया हुआ है। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम रखते हैं कढ़ाई, तो जी कढ़ाई में हम डालते हैं ऑयल और यहाँ पे मैंने पानी रखा हुआ बॉयल, इसके अंदर मेरे पास ये है इंस्पेक्टरी, ये हम करते हैं बॉयल, इसके अंदर पानी है, इसको हम निकाल लेते हैं, तो इसको हम करते हैं बॉयल भी, जिसके अंदर पानी है, इसका हम पकड़ेंगे, इसके अंदर डाल लेंगे, ये खुद बहुत चल जाएगी, इसको हम ना साबुत ही बनाएंगे, इसको तोड़ेंगे नहीं, अगर आप इसको तोड़ेंगे ना तो फिर वो शेप वो मज़ेदार नहीं बनेगी। तो जी इसको मैं प्रॉपर साबुत इसी तरह डाल रही हूँ, ये खुद ही जब मेल्ट होगी ना हर किसी को नीचे नीचे चली जाएगी। तो बाकी यहाँ पे ना इसको देखिए ये नीचे की तरफ हो गई है, तो जी इसके अंदर मैं थोड़ा सा डालूँगी ऑयल और थोड़ा सा मैं डालूँगी नमक, इस तरीके से ना दो चम्मच के पीस आपने ना इसके अंदर आपने डाल देना, ताकि ये आपस में चिपके ना ना, और थोड़ा सा मैं इसके अंदर डालूँगी नमक अपने टेस्ट के हिसाब से ना, तकरीबन एक चम्मच मैंने इसके अंदर डाल दिया। यहाँ पे जी मेरे पास है जी आ गई है कढ़ाई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं इसके अंदर डालूँगी थोड़ा सा ऑयल, ऑयल हमारा हो जाता है तब तक गर्म, और जो मेरे पास चिकन है तो चिकन के अंदर हम डाल लेते हैं चिली वगैरह ऐड कर लेते हैं, ये तो उसके अंदर भी जाएगा। यहाँ पर हम लेते हैं थोड़ी सी, हम लेते हैं ब्लैक पेपर चिकन के ऊपर, इसको हम करते हैं मैरिनेट और इसको हम बनाते हैं। यहाँ पे मेरे पास है जी सिरका, थोड़ा सा मैं ये इसके ऊपर डालूँगी, और यहाँ पे है जी सोया सॉस, तकरीबन दो दो चम्मच के करीब आपने इसके अंदर ऐड करना है, ठीक है। यहाँ पे चिली सॉस और यहाँ पे जी वाइट पेपर थोड़ी सी, और थोड़ी सी इसके अंदर जाएगी लाल मिर्च पाउडर और थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च,
थोड़ा सा काली मिर्च, ये सारा कुछ इसके अंदर चला जाएगा। थोड़ा सा नमक भी इसके अंदर शामिल करते हैं। नमक अपने टेस्ट के हिसाब से आपने इस्तेमाल करना है। तो बस इसको जी ये मैरिनेट कर लिया हमने, इसको फिर साइड से मैरिनेट करके, और यहाँ पे मेरे पास है यहाँ ऑयल गर्म हो गया है, तो ऑयल के अंदर मैं डालूँगी जो कि लहसुन मैंने कटिंग किया हुआ है, इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। ये देखिए जी हमारी स्टफी यहाँ पे रेडी हो रही है। इसको जब ये डन हो जाएगी ना, तो जब महसूस होगा कि ये डन हो गया, नरम हो गया, तो उसको हम फिर छान लेंगे। अभी इसकी है तो थोड़ा सा इसको हम बॉयल करेंगे, जब बॉयल होगा तो इसको छान लेंगे। तो यहाँ पे ऑयल भी हमारा गर्म हो चुका है, ऑयल के अंदर हम डालेंगे जो मेरे पास है यहाँ पे लहसुन। ये देखें आपने ये टूट गई है, ये देखें इस तरह से ना। अब इसको मैं छान लूंगी, ज्यादा भी नहीं करनी। यहाँ पे चिकन डन हो रहा है और मजेदार सी इसके अंदर ना बड़ी खुशबू आ रही है, उसको मजे से डन कर लेते हैं। फिर इसको निकालते हैं, फिर इसकी आँच कम करते हैं, फिर इसको हम छान लेते हैं। इसके अंदर इसके ऊपर डालेंगे थोड़ा सा पानी ताकि ये आपस में चिपके ना। इसको इस तरह से मैंने कर लिया, ये है जी हमारा। इसको रखते हैं थोड़ा साइड पे, चिकन को थोड़ा सा डन करते हैं। तो यहाँ पे जी हमारा चिकन तो डन हो गया, इसको हम निकाल लेते हैं। नेक्स्ट मैं चाहूँगी कि हम इसके अंदर क्या शामिल करेंगे जी, चिकन की जो ना थोड़ा बहुत इसके अंदर थोड़ा सा मैं डालूँगी ऑयल इसको निकालने के बाद। और इसका जो टेस्ट है ना चिकन का, इतना मज़ेदार बना है ना, खुशबू भी आ रही है, बड़ा मज़ेदार सा टेस्ट इसका लग रहा है। इसको रखते हैं कि साइड से। और यहाँ पे जो मसाले हैं जी, मेरे पास मसाले हैं, मैं बाद में डालती हूँ। इसके अंदर थोड़ा सा डालेंगे ऑयल, और इसकी इसी के साथ मेरे पास यहाँ पे जो लहसुन है इसके डालेंगे इसके अंदर। इसको थोड़ा सा फ्राई करते हैं। फ्राई करने के बाद यहाँ पे जी मेरे पास हैं जी मसाले, इसके जो पेस्ट तैयार कर लेते हैं, सारा कुछ इकट्ठा इसके अंदर डालते हैं। और यहाँ पर हम डालेंगे जी इसके अंदर चीनी, हाँ जी यहाँ पे जी एक चम्मच चीनी वाला घी, दो चम्मच इसके अंदर ना मज़ेदार सा इसका एक जो फ्लेवर है ना इसका टेस्ट वो आएगा जब बनाएंगे तो पता चलेगा ना। तो यहाँ पे जी मेरे पास है सिरका एक चम्मच, दो मटेरियल के हिसाब से सारे आपने लेना है, एक कम से कम तीन चार चम्मच मैंने डाले हैं। और यहाँ पे जी मेरे पास है सोया सॉस, और जो आपको पता है ना इसको थोड़ा सा स्पाइसी करने के लिए थोड़ा सा ये ज़्यादा जाएगी, क्योंकि हम जो है ना इसको थोड़ा सा स्पाइसी और मज़ेदार सा बनाने वाले हैं। इसको मैंने अच्छे से कर लेना है मिक्स। और यहाँ पे है जी मेरे पास चिली सॉस। जो सॉस है ना आना नहीं मसाले बड़े मज़ेदार बनाए, बड़ा अच्छा इसका फ्लेवर बड़ा मज़ेदार है की पैदा थे मैं बताने वाली हूँ जी। और यहाँ पे है जी ये वाली चिली वाली ये केचप कम से कम 3 से 4 चम्मच। ये जी हमारा पेस्ट हो गया है रेडी, इतना मज़ेदार और जूसी जूसी बनता है इसका जो फ्लेवर है ना, इतना मज़ेदार होगा ना जब आप बनाएंगे आपको पता चलेगा। ये रेसिपी आपने ज़रूर ट्राई करनी है ज़रूर लाजमी। और यहाँ पे जी प्याज लहसुन हमारा हो गया, तो यहाँ पे मेरे पास जो वेजिटेबल है वो डाल देते हैं, शिमला, और यहाँ पे है बंद गोभी, और यहाँ पे गाजर, प्याज, प्याज मैंने आधी ली है, ठीक है, खीरा मैंने एक लिया, गाजर दो ली है, और एक जो फूल लिया है बंद गोभी का, ये सारे वेजीज के अंदर गई। और इसको हम करते हैं मटरों को थोड़ा साइड पे, और इसको हम करते हैं जी मिक्स। अब इसकी आनी है मज़ेदार सी खुशबू, माशाल्लाह।
तो मैं 5 मिनट फ्राई करूँगी। हम ज़्यादा नहीं इसको कुक करेंगे, इसको थोड़ा सा कुक करेंगे ताकि ये थोड़ी सी क्रिस्पी क्रिस्पी खस्ता खस्ता रहे। बहुत जल्द बनेगी माशाल्लाह फ्राई। यहाँ पे इतनी मज़े की इसकी वेज की खुशबू आ रही है ना। तो ये जो मैं बना रही हूँ जो मैं आपके साथ जो मैं शेयर कर रही हूँ ना, इस तरह का जो टेस्ट है ना, ये रेस्टोरेंट वाली जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ, आपने रेस्टोरेंट में नहीं खाया होगा तो वही आप टेस्ट करके बनाएं, इंजॉय करें। इतनी इजी और इतनी जल्दी बनने वाली आसान रेसिपी है। और हाई फाई रेस्टोरेंट से जाके जो पैसे खर्च करें घर बना लो, घर घर बनाएं और ज़्यादा बनाएं, आपके बच्चे भी और आप भी इंजॉय करें, सारे खाएं। यहाँ पे जी ये देखें जी मेरे पास चिकन है जो मैंने रखा हुआ था डन करके, जब भी इसके देना शामिल करूँगी तो हम अच्छे से करेंगे मिक्स। माशाल्लाह इसकी लुक तो माशाल्लाह अच्छी और ज़बरदस्त हो गई है। जेड़ा समान है मौजूद है, क्या है जी, ये है जी मेरे पास। शुक्रिया जी, आई ये सॉस जो मैंने रेडी की है ना, ये हम इसके ऊपर डालेंगे मजेदार सा सॉस है ये। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, ये है जी हमारा जूसी बनेगा। आप हमें यहाँ समझ आई है कि मैंने इसके अंदर क्यों डाला, इसके लिए डालना था ये। देखा इसका जो कलर शाइनिंग भी आ गई है और इसका जो फ्लेवर है बड़ा ज़बरदस्त इसके अंदर मज़ेदार सा हो गया यार। ये तो स्वाद देखने से बड़ा ज़्यादा ही बार है। वैसे ही होता है ना, थोड़ा सा कुछ भी होना होता है तो फिर यहाँ पे ये मेरे पास जो मैंने रखी हुई थी इसको हम ऐसे कर लेंगे हाथों के साथ खोल लेंगे, क्योंकि इसको मैंने ऑयल भी लगाया था। तो अगर आपकी तेल में जुट भी जाए ना तो आपने परेशान नहीं होना, टेंशन नहीं आपने लेनी, आपने इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल डाल लेना है तो ये अच्छे से खुल जाएगी। ठीक है, ये देखिए आप इस तरह कर लेंगे बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, इसको हम शामिल करते हैं, इसको हम अच्छे से मिक्स करते हैं। ये अरे हमारे चिकन चौमिन माशाला रेस्टोरेंट वाली रेसिपी है जो कि आपके साथ कर दिया शेयर, इसको हम अच्छे से करते हैं मिक्स। तो जी फ्रेंड चूल्हा मैंने कर दिया बंद, ये हो गई है डन, इसको करते हैं डिश आउट। और ये देखिए हमारी चिकन चौमिन हो गई है रेडी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। और ये देखिए जिसकी लुक आप देख सकते हैं माशाल्लाह से ज़बरदस्त हो गया, डन हो गया इस तरीके से बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये देखिए जी हमारी चिकन चौमिन हो गई है रेडी इस तरीके से, ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह। जनाब इसको करेंगे टेस्ट फिर मुझे बताएंगे आपको इसका जायका और इसका फ्लेवर जो इसका टेस्ट है वो कैसा लगा। ये देखिए जी हमारी चिकन चाउमीन हो गई है रेडी माशाल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त लग रही है, देखने में भी देखें और इस जब इसको खाएंगे तो फिर भी आपको ये नज़र आएगी इसकी लुक कैसी है। ओ वाजी वाह माशाल्लाह माशाल्लाह, वही टाइम माशाल्लाह जी यार, यकीन करो आसमां खुशबू और जो जा ना नजर आ रहा है ना जायका नजर आ रहा है, क्या बात माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, इसकी लुक देख सकते हैं। ऐसे करो ऐसे जैसे बच्चे खाते हैं मजे से। कामरान तो बड़े चस्के लेके खा रहे हैं ना, मज़ेदार सी लुक है इसकी। और ये देख ले कितना जूसी जूसी बना है, इसका कलर देखे कितना शाइनिंग दे रहा है, मज़ेदार सा बहुत मज़ेदार यार आसफा माशाल्लाह, बहुत जायके वाली। और जरूर ट्राई करो बच्चे, मैं कहना कि जे मनु इन ज्यादा पसंद आई है तो बच्चों को कितनी पसंद आएगी यार। बच्चों को भी बहुत ज्यादा पसंद आएगी और बड़ों को भी आएगी इंशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त इजी रेसिपी है और मज़ेदार है और माशाल्लाह से रेस्टोरेंट वाली रेसिपी है, ये आपके साथ शेयर हो गई है। बस आप इसको बनाएं खाएं इंजॉय करें, भी मुझे कमेंट्स में बताएं मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। तो माशाल्लाह से कमेंट्स भी अच्छे अच्छे किया करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें, फैमिली के साथ शेयर भी किया करें
ये तो इस तरह के खाने वाली चीज़ है। ये देखें जी माशाल्लाह से मज़ेदार सी हमारी रेसिपी तो हो गया रेडी, तो बस आप जल्दी से इसको बनाएं और खाएं और मुझे कमेंट्स में बताएं मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। बहुत मज़ेदार। इंशाल्लाह जी इसी तरह मैं नई रेसिपी के साथ आऊँगी। इजाज़त दे दें। ओके फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, दुआओं में याद रखिएगा, खुश रहें।